मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। ओए इधर आओ। मैं ओ तुम मुझे देख के डर क्यों रहे? पुलिस को देखकर मुस्कुराने वाला कोई एक शख्स बता दीजिए मुझे। अच्छा अच्छा, नाम बता, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गुलाम मुहिद्दीन, बाप का नाम निजामुद्दीन, दादा का नाम सदरुद्दीन। और बस कर, तू तो अपना सजरा ही नसब बताने बैठ गया मुझे। पुलिस को देख के हमारे लोग अपना अगला पिछला सब बता देते हैं। अच्छा अच्छा, रहता कहाँ है तू? जी अभी तक तो ये सामने रहता था, आज के बाद आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे कहाँ मुंतकिल करेंगे। ओ गुलाम भाई, डरने की जरूरत नहीं है, मैं नया नया आपके मोहल्ले में आया हूँ, कल रात ही शिफ्ट हुआ हूँ और ये बराबर वाला घर है मेरा। अच्छा 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 अच्छा, ये बताएं यहाँ से मार्केट कितनी दूर है? हाँ हाँ, आप यहाँ से जाएंगे ना सीधे सीधे तो जहाँ सड़क खत्म होगी तो वो राइट पे मुड़ेंगे, सामने सारी मार्केट है। वाह वाह गुलाम भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी बड़ी बड़ी। जरा धक्का तो लगाओ गुलाम भाई। धक्का? हाँ हाँ बहुत, अरे जिंदगी भर धक्कों में गुजरी है जनाब, आ आ जाए, चले चले चल। अच्छा भाई, हाँ तो कही इधर काम चोर है, कोई हद नहीं है, क्या हाल बना रखा है पौधों का है? बताओ ये फालतू गमला यहाँ घुसाया भाई, तोबा तोबा हद हो गई। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? लड्डू गुलाम, कितनी जालिम सास है, बिल्कुल मेरी सास की तरह। अरे सुनो मेरी बात सुनो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या वो बोना? क्या हुआ बेगम? बोना, मैं पौधों को पानी दे रही थी। लो मम्मी जी, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मेरा हाथ लगा और गमला नीचे गिर गया। एक गिलास पानी का भी हमें नहीं दिया, गमलों को पानी दिया जा रहा है। अरे गुलाम मेरी बात को समझे। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है? गमला नीचे गिर गया है। मम्मी जी अभी तक तो टूट भी गया होगा। ओहो मामा, कोई बात नहीं, हमें काम करते हैं, एक नया अच्छा सा गमला लेते हैं बस। नहीं नहीं, वो गमला नीचे गिरा है। अरे मेरी बात को समझो। इसमें समझने की क्या बात है भाई, गमला गिरा तो नीचे है मगर किसी के ऊपर गिरा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, गमला किसी आदमी के सर के ऊपर गिरा है। नहीं क्या, आदमी के सर के ऊपर? अब तक तो शायद वो मर भी चुका होगा। मर गया? भागो, जाइए जाके बाहर देख कर आइए क्या हुआ उसे। चले सुसर जी देख कर आते, चले 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 चले, देखते क्या हुआ। अबे बात सुन भाई, तो फिल्म देखने जा रहे हैं कि चले चले देखते हैं? चले चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लगता है मर गया। अब भाई वाह, ये मरा है कि नहीं मेरा, लेकिन इसको उठाने में हम जरूर मर जाएंगे। सुसर जी एक काम करते हैं, हम इसको उठा के ना ऊपर लिए चलते हैं। हैं? चलो उठाएं उठाएं उठाएं, चलो 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 चलो। लड्डू लड्डू जल्दी से पानी लेके, पानी लेके। हाँ पानी, हाँ गिलास में पानी लेके। अबे यार, अबे लड्डू यार जल्दी ले आ। सुसर जी पानी। मामा मुझे लगता है हमें पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो अनी,
क्यों अपने और मेरे सुहाग के पीछे पड़ गई हो? कैसी बातें कर रही हैं बेगम आप? अरे गमले को हाथ आपका लगा था, इसमें मेरा और लड्डू को क्या किरदार है भाई? मगर लाश को तो आपने हाथ लगाया ना, इस पर तो आप ही के फिंगरप्रिंट्स हैं। लेकिन मम्मी जी, गमले पे तो आपकी उंगलियों के निशानात होंगे ना? तो सच पानी अरे ये तो जिंदा है भाई, बच गए ससुर जी, बच गए, ये तो जिंदा है। अरे भाई मुबारक हो, आप जिंदा है माशाल्लाह। जिंदा जिंदा जिंदा, बोलो भाई साहब, मामा कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है जहाँ जानवर खुले फिर रहे हैं? ओए खबरदार, ये हमारी मम्मी जी हैं, जानवर नहीं। अबे तो जानवरों की मम्मी नहीं होती क्या? भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, तो पता है गलती से मेरा हाथ गमले पे पड़ा और गमला नीचे गिर गया। हैं? आप काहे को मुझसे माफी मांग रही हो? कौन सा हाथ लग गया था, कौन सा गमला गिर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मतलब आपको कुछ भी याद नहीं है? मैं कौन हूँ? जितने सवाल तुम कर रहे हो ना, लगता है तुम कोई सहाफी हो। ये सहाफी क्या होता भाई साहब? लगता है शादीशुदा है, ना टीवी देखता है बेचारा, इसे पता ही नहीं है सहाफी क्या था। भाई आप लोग क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये? अब ससुर जी, मामी जी, मुझे लगता है याददाश्त चली गई। याददाश्त चली गई, अब क्या होगा? देखो भाई, कत्ल की सजा तो मौत होती है, किसी की याददाश्त खो देने की क्या सजा होती है ये मुझे नहीं पता। होती है, मैंने सुना है इसकी भी सजा होती है। हनी अब क्या होगा? हाँ भाई, थका हुआ है ना बेचारा। जरा तमीज से बात करो। ओहो, तुम कौन होती हो मुझे तमीज सिखाने वाली मेरे घर में? बस बस, ये मेरा घर है, समझे? ओ, एक बात सुन लो, अभी मैं पुलिस को बुलाकर और पर्चा कटवा दूंगा कि इसने कातलाना हमला किया मुझ पे गमला मार के। ओह नहीं नहीं भाई, भाई आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें, ये आपका घर नहीं है, आपका घर कोई और सा है। आप याद करने की कोशिश करें ना। रुक जा और सुनो, तुम जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी दूध बत्ती चाय बनाओ, ऊपर मलाई मार के। अगर मलाई ना मिले तो चमाट मार के ले जाऊं। ये देखा मुक्का, थोड़ी के नीचे मारूंगा, चलो। मैं डॉक्टर हंसमुख को फोन करती हूं। खरे खरे खरे, हेलो डॉक्टर साहब, अरे आप कहाँ रह गए, यहाँ गमलू तो आपे से बाहर हुआ जा रहा है। जी ठीक है ठीक है। गमलू, गमलू कौन है? अरे भाई इसका नाम पता घर तो कुछ मालूम नहीं था, इसके सर पे गमला गिरा था ना, तो मैंने इसका नाम गमलू रख दिया। एक तो औरतों को नाम रखने की बड़ी जल्दी होती है भाई। जाओ चाय बना के लाओ। देखो तो ठाट, तो देखो जरा ठाट। ओहो तेल जरा ज्यादा डालना। तेल लगा रहा हूँ, कोरमा नहीं बना रहा। अरे समझ दे रहो, एक मालशिया से मैंने कहा था भाई सरसों का तेल डाल दे, उसने परसों का डाल दिया, बल्कि बरसों का लग रहा था, बाल झड़ रहे थे मेरे। जरा ये मोटा भी दबा दो। शाबाश जी जी, वाह 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 वाह, क्या हाथ है, सुभान अल्लाह। ओह यार, मुंह खोलो बेटा, अच्छा बच्चा मेरा। अरे मुंह खोलने को कह रहा है भाई, वो खोलो 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 खोलो।
अबे लाइट तो इसकी जलनी नहीं ना भैया। अरे यार मैं तो इसमें सेल डालना ही भूल गया। मैं पागल नहीं हूँ, मैं हेलमेट में पागल नहीं हूँ। कौन लेके आया उसको इस पागल को? मैं पागल नहीं हूँ। हाँ तू पागल नहीं है। अच्छा मेरा बच्चा गुल्लू बेटा। गुल्लू कौन? गुल्लू नाम है मेरा, गुल्लू बट हटा के। हाँ तुम्हारा नाम गुल्लू है। याद करो तुम इस घर के मालिक नहीं हो। हाँ हाँ बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? यही बताओ, यही याद करो। हाँ किधर रहते थे तुम? याद आ गया। अरे याद आ रहा है, याद आ गया, याद आ रहा है, याद आ रहा, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ रहा। मैं जहन पे जोर दे रहा हूँ। इस घर के गेट से सीधा निकलो। हाँ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उल्टे हाथ पे हो जाओ, फिर सीधे हाथ पे हो गए, फिर उल्टे हाथ पे होना, फिर सीधे हाथ पे, फिर उल्टे हाथ पे, फिर उल्टे कान से लेके, फिर सीधे लात से लेके, आगे जाके सीधी गली आएगी, फिर एक टाट वाला आएगा, उससे गली से निकल के फिर वापस आके चौथा घर छोड़ के वही घर मेरा। भाई यार ये तुमने घूम फिर के मेरे ही घर का पता बता दिया फिर से। तो तुमने चौरंगी पे घर बनाया ही क्यों है? भाई ये घर कब बना हुआ है? तो खाली प्लाट है। जब ये कोई कचरा डाल गया। उसको तो कोई वाकया याद नहीं है, पर एक इस मसले का हल है। ऐसे मरीजों के लिए इसको वही चोट उसी ताकत से वही मारी जाए जहां उसको पहली दफा लगी थी। इस दफा मैं खबरदार, खबरदार, मैं बड़ा हूं तो ये काम मैं करूंगा। पर इसके लिए शर्त ये है कि जिस बंदे ने ये काम पहले किया वो ही करेगा। ये लीजिए मम्मी जी। तुम ये काम नहीं कर सकोगे। लेकिन क्या काम किया है? गुलाम पूरे दो घंटे हो गए, अरे ये तो होश में ही नहीं आ रहा। फिक्र नहीं, अभी आता है होश। ये देखो अभी आता है। कोई फायदा नहीं है सुसर जी, कोई फायदा नहीं है, गुजर गया, ये मर गया। गुजर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, ये इसने हनी ने मुझे धक्का दिया था, मेरे हाथ से गमला गिर गया इसमें। मामा फिकर नहीं करो बेगम, फिकर नहीं करो। अरे हम अच्छा सा वकील कर लेंगे, वो नई नई कहानियां बनाएगा, इंशाल्लाह देखना तुम्हें कम से कम सजा होगी। सजा होगी? नहीं नहीं गुलाम, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अरे मुझे देखो कितने अरसे से जेल में रह रहा हूँ, अरे आदत पड़ जाती है भाई। या अल्लाह ये कौन आ गया? अरे गुलाम जल्दी से इस लाश को तो ठिकाने लगाओ। मैं देखता हूँ। गुलाम इस लाश को तो ठिकाने लगाओ अल्लाह के वास्ते। ओ शकरे मम्मी जी, मम्मी जी पुलिस आई है। ओए एक सेकेंड।
बस ठीक है ठीक है, बुलाओ 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 बुलाओ। अरे तुम तो उस तरह एक तरफ जाओ, और सुनो बात सुनो, कोई भी आए कोई भी आए उसको आने देना, लेकिन इसके पास ना आने। चलो तुम लोग अपना शाबाश चलो चलो। आइए सर आइए सर बैठिए सर। शुक्रिया शुक्रिया जी जी। ये मिठाई है आपकी। ये मिठाई की क्या जरूरत थी, ये तकल्लुफ किया आपने? भाई पड़ोसियों से मिलने पहली दफा खाली हाथ नहीं आया करते, इसलिए मिठाई लेकर आए हूँ। बहुत शुक्रिया। तानी बेगम, तानी बेगम। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा तो सिर्फ पांव फिसला था। नहीं नहीं, ये इंस्पेक्टर साहब है, हमारे बराबर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं परसों, तो ये यहाँ पर हमसे मिलने आई मिठाई लेके। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेगम है, ये मेरी बेटी है, ये लड्डू है। अरे भाई लड्डू वहाँ नहीं, लड्डू तो यहाँ है। नहीं नहीं, ये मेरा दामाद है, इसका नाम लड्डू है। अच्छा तो आपके घर में बस यही लोग रहते हैं? हाँ हाँ, अभी तक तो यही है भाई। अच्छा जनाब अब मैं चलता हूँ, मैं तो पड़ोसी होने के नाते आपसे सलाम दुआ करने हाजिर हो गया था। शुक्रिया बहुत ज़्यादा। आइए 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 सर, आइए 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 सर आइए। आप तो कह रहे थे कि इस घर में हम चार लोग रहते, तो ये कौन है? पुप्पी है, पुप्पी हमारी। पुप्पू है हमारी, ये पुप्पू। अस्सलाम वालेकुम पुप्पी जान। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सलाम कह रही है। असल में ये पर्दा कर दीजिए। अरे भाई ये कैसा पर्दा है कि सलाम का जवाब तक नहीं? अरे बहुत पर्दा करती हैं, इतना पर्दा करती हैं कि दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे उतार के खुद ही पहन लेती हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बन टीवी क्यों देख रही है? देखें है तो खातून ही ना, टीवी भी देखना है पर्दा भी करना है, तो टीवी बंद करके देख रही है और पर्दे में बैठी हुई है। कमाल है भाई, बहुत सख्त पर्दा करती है फूफी जान। सख्त, बहुत सा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मैं दोबारा आऊंगा। नहीं 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 नहीं, मतलब ये नहीं का मतलब ये है कि आप नहीं आएंगेगा, हम लोग आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गुलाम, इस लाश को जल्दी से कहीं ठिकाने लगाए। अरे डर डर के अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो आप तीनों को कौन पालेगा? मम्मा ऐसे बातें मत करें, पापा कुछ कीजिए। लड्डू आजा, आजा, आजा भैया, उठा के फेंक इसको, आजा भैया उठा इसको, ये उठा। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। नहीं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मम्मा क्या होगा? भैया क्या हुआ, कहाँ ठिकाने लगाई? मम्मी जी, नेडी जटी के पुल के ऊपर से सीधा नीचे ऐसे गुड़ूप करके गई पानी में। अब किसी ने देखा तो नहीं ना? अरे देख भी लेता तो क्या होता, हमने काले शॉपर में अंदर डाल के और बांधा और ऊपर से गुड़ूप, और देखने वाले समझेंगे हम कोई कचरा फेंक रहे। अल्लाह तेरा शुक्र, कितने होशियार है ना आप दोनों, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बेगम ये इतने गौर से आप क्या देख रही हैं? आवाज ऊंची करने देखे। ये है वो मशहूर जमाना, बदनाम जमाना डाकू, जिसकी पूरे पुलिस महकमे को तलाश है। बताया जाता है कि इसको आखिरी मरतब अमीरों की सोसाइटी मालामाल ब्लॉक में देखा गया था। इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने वाले को 50 लाख का इनाम दिया जाए। ये डाकू था? नहीं, ये 50 लाख था। ये दोनों कहाँ गए? गया 50 लाख, 50 लाख गया। छोटे मियां
ना तो छोटे मियां बड़े मियां भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। घर का मां के घर का मां।